अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो व्यूअर्स, हम टीवी का नया ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शद जो कि आजकल ट्रेंडिंग पर जा रहा है, उसके कुछ बिहाइंड द सीन्स और शूटिंग के मनाजिर आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। ड्रामे की मेन लीड में दुरिफ शाह और बिलाल अब्बास काम कर रहे हैं और इन दोनों की वजह से ही इतना ज़्यादा लोग एक्साइटेड भी थे इस ड्रामे को देखने के लिए, क्योंकि इनका पेयर बिल्कुल फ्रेश है और फर्स्ट टाइम ये दोनों स्क्रीन शेयर कर रहे हैं एक साथ में। और जब से ड्रामे के टीज़र्स ऑन एयर किए गए, टीज़र से ही पता चल रहा था कि ये एक लव स्टोरी है और इसमें दुरिफ शाह और बिलाल अब्बास की केमिस्ट्री भी बहुत ज़बरदस्त दिखाई गई। इस वजह से भी लोग इतना ज़्यादा इस ड्रामे को पसंद कर रहे हैं। फर्स्ट एपिसोड से ही इस ड्रामे ने बहुत ज़्यादा मकबूलियत हासिल की हुई है। ड्रामे की कहानी शिब्रा और शामिर के गिर्द घूमती है। शिब्रा का करेक्टर दुरिफ शाह जबकि शामिर का करेक्टर बिलाल अब्बास ने प्ले किया है। शिब्रा एक ईमानदार सीएसएस ऑफिसर की बेटी होती है और उसको अमीरों से सख्त चिढ़ होती है, और वहीं पर दूसरी तरफ शामिर एक बहुत ही अमीर और करप्ट बाप का बेटा होता है और वो शिब्रा से मोहब्बत कर बैठता है। अभी आगे के एपिसोड्स में देखना क्या है कि इन दोनों की लव स्टोरी क्या मोड़ लेती है, क्योंकि शिब्रा को अमीरों से नफरत है और शामिर को उससे शदीद मोहब्बत हो गई है। और जब इस ड्रामे के टीज़र्स जारी किए गए तो उसमें बिलाल अब्बास के दो रूप दिखाए गए। इस ड्रामे में बिलाल अब्बास दो करैक्टर प्ले कर रहे हैं, एक शामिर का और दूसरा फजल बख्श का। वो शिब्रा की मोहब्बत में आई थिंक आगे के एपिसोड्स में जाकर एक गरीब आदमी की एक्टिंग करेगा शिब्रा की मोहब्बत हासिल करने के लिए, लेकिन अभी फ़िलहाल फजल बख्श का कोई भी करैक्टर ड्रामे में दिखाया नहीं गया। अभी कुछ ही एपिसोड ऑनर किए गए हैं, इतने ज़्यादा एपिसोड इसके अभी ऑनर हुए नहीं हैं। अभी आगे के एपिसोड्स में पता चलेगा कि इसकी स्टोरी क्या मोड़ लेती है। और इसके टीज़र से तो साफ जाहिर हो रहा है कि आगे की स्टोरी और भी ज़्यादा एक्साइटेड होने वाली है। सो व्यूअर्स, आप लोगों ने अगर ये ड्रामा नहीं देखा तो आप भी ज़रूर देखिएगा। एक बहुत ही डिफरेंट और ज़बरदस्त लव स्टोरी है इस ड्रामे की। और अगर आप लोगों ने ये ड्रामा देखा है तो आप लोगों को कैसा लगा ये ड्रामा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह के तमाम सोशल अपडेट्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।